बशीर बद्र साहब की गजल के कुछ शेर हैं। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने। फूलों में छिपाया हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीने, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। हाय, कैसे हो? कैसा गया आज का दिन? सब ठीक है ना? नहीं भी है तो यकीन रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है हर चीज एक वक्त मांगती है, और जब तक हम यकीन करते रहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक होता रहेगा। कहीं पढ़ा था मैंने कि हम जो सोचते हैं, जो ख्याल दिमाग में लाते हैं, वो सच में हो जाते हैं, अब वो चाहे अच्छे हों या बुरे। मेरे भाई ने लगभग 3 साल पहले कहानी लिखी थी। उस समय वो शायद यही सब फील कर रहा होगा। आज मुझे लगा उसकी ये कहानी मुझे तुम्हें सुनानी चाहिए। मुझे याद आ रहा है कुछ समय पहले का मैं। आज जब लिखना शुरू करने के लिए खाली नोटपैड देखा तो बिना सोचे समझे ही कुछ लाइनें अपने आप आने लगी, जैसे बस वो इंतजार में ही थी कि बस इन्हें पहले लिख दो, फिर करना बाकी के काम। मुझे लगता है कि कहानियां कहीं से आती नहीं है, वो तो हर समय घटित हो रही होती है। मैं कहते कहते चीजें भटक जाता हूं तो माफी चाहूंगा। मैं आज से 4 महीने पहले बनारस की तरफ बस इसीलिए आ गया था कि कुछ मन बदल जाएगा। जब लखनऊ पहुंचा तो एक बार को मन हुआ कि वापस लौट चला जाए। तब बाबूजी ने कॉल करके कहा, अरे कुछ दिन घूम फिर ले, 2 साल से घर में बंद है, कुछ दुनिया भी देख, मन नहीं लगे तो बस्ता उठाना और चल पड़ना वापस। उनकी बात मुझे अपने जीवन में 9 साल पीछे ले गई, जब मैं सुधेड़बुन में था कि इंजीनियरिंग मुझसे हो पाएगी या नहीं, और संगीत को लेकर कोई स्पष्ट राह भी नहीं थी। तब उन्होंने कहा था, तू बस टाई और कोट पहन के कॉलेज चला जा, देख ले कैसा माहौल होता है आखिर कॉलेज का। कॉलेज का माहौल देखते समझते 4 साल छोटे पड़ गए। जीवन में कई घटनाएं सिर्फ इस कारण घटती हैं कि आप शुरू करते हैं और रास्ते खुद ही साफ होने लगते हैं। बाबूजी हमेशा मेरी उलझनों का हल होते हैं। उनसे कोई भी उलझनों वाला सवाल पूछो, वो सुलझता हुआ जवाब देते हैं। मैं पहाड़ों से बनारस आया था कुछ अलग करने के लिए, ऐसा कुछ जो वापस मुझे उन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तरफ ना धकेले। पहले कुछ दिन बनारस में ऐसे लगे जैसे किसी एक जेल से निकले और दूसरे के दरवाजे के पास फेंक दिए गए। ना तो शहर अच्छा लगा, न यहाँ की हवा। हर बार कोई कारण ढूंढ रहा होता था कि यह शहर क्यों अच्छा नहीं है, गर्मी बहुत है, पानी साफ नहीं है, पहाड़ों की तरह माहौल नहीं है, और न जाने क्या क्या। हर बार लगता कि अगले महीने घर को निकल जाऊंगा, लेकिन एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता था कि करूंगा क्या जाके वापस, कुछ बचा रह गया है क्या अब भी, इतनी सारी नाकामियों के बाद भी। अरे तो उससे नहीं हो पाएगी इससे ज्यादा पढ़ाई, कुछ लोग नहीं बने होते यार पेपर वगैरह निकालने के लिए। मौका चाहिए था ना म्यूजिक को अच्छी तरह से करने का, तो करना, ये अगर नहीं भी होगा तो मलाल तो नहीं रहेगा कि कभी तमीज से कर लिया होता सोचकर। बस ऐसा सोचना था और समय नियत गति से आगे बढ़ता रहा। समय ने धीरे धीरे शंकाएं खत्म करना शुरू की और अब बेहतर अनुभव कर रहा हूं। सही बात कहूं, मैं हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहता था जो मुझे खुशी दे सके। मैं काम को बोझ बनाने में यकीन नहीं रखता हूं। हालांकि उम्र के हर पड़ाव पर मैंने अलग अलग वजह से जिंदगी को बांध कर रखा था, पर अब बहुत हो गया। अब उन सब मुश्किलों को विदा कह चुका हूं। पहले सुबह की शुरुआत कॉम्पिटिशन के एग्जाम की किताबों को पढ़ने से होती थी और रात तलक नींद उसी के साथ आती थी। बीच बीच में म्यूजिक के साथ मन बहलाने का काम भी कर लिया जाता था, लेकिन अब साधना के लिए वक्त दे दिया गया है। अब सब कुछ म्यूजिक ही म्यूजिक है। नहीं जानता कि जिंदगी में किस मोड़ पर पहुंचना होगा, लेकिन फिलहाल अभी अच्छा लग रहा है सब कुछ। अब किताबों से निकलकर संगीत में डुबो दिया है खुद को। अब बनारस भी रास आ रहा है और यहां का माहौल भी। कुछ दिन पहले बाबूजी से बात हुई, तब उन्होंने कहा था, दुनिया में कोई भी देश, जगह, माहौल या फिर कोई भी चीज खूबसूरत या खराब नहीं होती, ये तो बस इस बात पर निर्भर करता है
तेरा मन कैसा है। तेरा मन ही अच्छा नहीं होगा तो बनारस क्या, तो स्विट्जरलैंड चला जा, तो वहां के होटल में पर्दों की बुराई करने लगेगा। बात समझते देर लगी पर धीरे धीरे समझ में आ ही गई। अब जब भी पीछे मुड़कर कुछ वक्त पहले के मैं को देखता हूं तो सोचता हूं कि उससे कहूं कि ये दौर भी गुजरेगा वक्त के साथ, बस धीरज रखो। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। भाई ने तब लिखी थी जब वो नया नया बनारस आकर म्यूजिक शुरू कर रहा था। आज वो संगीत में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। तो अगर आपको भी लगता है जिंदगी मुश्किल में है, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाकी मन में कोई बात है तो पता मालूम है ना मेरी ईमेल आईडी kahaniwalaladka9@gmail.com। तो यही सब है यार, फिर चलो कल मिलते हैं कुछ नई बातों और ख्यालों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।